लगा करना है कितना भाई पंद्रह दिन के लिए कितना होगा भाई कि रोहू कैसे रोहू आधा किलो ठीक है मतलब जो रहे खर्चा हो जाएगी हमारे पैसा ना जितना बैठल हो तो कमे रह चल ना हो जाए रूम ठीक है जे थोड़ा बड़ा बड़ा ही पीस बना देना लाओ एक किलो खीरा लाओ जल्दी धनिया के पत्तों दे दिया हाँ ना मिलता नींबू है
नहीं पूरा मत बनाइए, डालिए उस पर। अच्छी फूड ब्लॉगिंग का कैसे खाना बनाते हैं हम लोग वो दिखाते हैं। नहीं, भाई एक काम करिए आप रिकॉर्डिंग करिए, सोशल मीडिया अपने भैया रिकॉर्डिंग करिए, ये अपना गैस है रिकॉर्डिंग करिए, आराम से हिलाइएगा ना। आइए मस्जिद में आइए, इसमें दिखाइए और ऊपर से दिखाइए। दो आदमी का चावल ठीक है, बोलिए ठीक है, देख लीजिए अपने हिसाब से। इतना काम कर जाएगा, जब चावल धोते हैं देखते हैं। नमक वाला पानी चावल धो रहे हैं, हमको भी दिखाइए। चलिए देखते हैं वर्कर से खाना कैसे दिखाइए। रुकिए अब चालू करिए, चलो है इसका पानी हो गया। ठीक रुकिए, चलिए तो सब चावल चढ़ गया, बनाएंगे मछली। बंद कर, चालू कर, चालू है जी। अब मछली अच्छे से सफाई हो रहा है, ये सब लेती फेती जो है ना निकाल रहे हैं इसमें से। देखिए इसको अंदर अंदर बढ़िया से गाँव गाँव में निकाल दिए, इसका रोवा टुलटा पुलटा बढ़िया से साफ सफाई हो गया। एक बार नहीं होता है सफाई, दो बार में करना पड़ता है। आटा दे नहीं, नमक डाल सकते हैं, देखिए हो गया सफाई बढ़िया से एकदम चिकना। बंद कर, चालू है हा? हाँ चालू है। ये नमक रख दिए, अब ये हल्दी डालेंगे, बढ़िया से उसको मिला दिए, बढ़िया से मिलाइए। पूरा मिक्स होना चाहिए, अभी पूरा मिक्स हो गया। तीखा करने के लिए तीखा मिर्चाई, कल रात में चिकन तीता नहीं हुआ था। चालू है भैया, प्रेशर कम करना पड़ेगा,
अब इसको चक्कू कहाँ है अपना? चक्कू अपने यहाँ पर हाँ। तो दोस्तों ध्यान से देखिए प्याज कैसे छीला जाता है। चालू है ना जी? तो ये अपना प्याज है, आधा किलो, इसलिए कम प्याज डाले हैं। दो आदमी में कितना खाएगा? प्याज लहसुन छिलना है, गोटा गोटा अलग अलग कर देते हैं। बंद कर चालू है जी। लहसुन छिल रहे हैं, लहसुन छिल छिल के देखिए लहसुन यह है सबको ऐसे रखें, आधा काटें, हल्का नाखून हल्का रहना चाहिए लहसुन छीलने के लिए। देखिए ये देखिए काटे छीले और यहाँ से छुड़ी हो गया बस बंद कर। इसमें लाइट बंद करिए, ये हो गया, ये फोकस कर दिया, ये लहसुन काट दिए। अब मिर्चाई काटेंगे, अब दिखाइए पूरा फूल दिखाइए। अब मिर्चाई काटेंगे छोटा छोटा टुकड़ा, मिर्चाई काट के ऊपर से दिखाइए, मिर्चाई काट के अपने को पूरा दिखना चाहिए, छोटा छोटा टुकड़ा। आराम से अपने हिसाब से तीखा के हिसाब से काट दिए। अब इसको लाइए, ये अपना मेन मसाला राई, इसको फोरन फोरन सब बोलते हैं, पूरी राई के फोरन। अब इसको ज़्यादा नहीं डालना है, होने से बेलना कहाँ है, बेलना ले लिया वो धोना पड़ेगा। बंद करा चलो है। देखिए अब इसको जो है ना आराम से कूटिए, इसको कूट के पतला करिए, ये सब जुगाड़ है, देसी जुगाड़ है। गिलास में करना पड़ता, हालांकि इसको कूटने के लिए अलग अलग इस्तेमाल पीता है, लेकिन हम लोग खा ले नहीं, दीवार लगाए काम करना पड़ेगा। चालू है, ये घुमा घुमा के पूरा कूट कूट के नहीं करना होगा, नहीं करते हैं। ये देखिए एकदम मेही हो रहा है धीरे धीरे, और थोड़ा मेही करना पड़ेगा।
संडे है ना, संडे की छुट्टी इसलिए मछली बनाने को मिल जा रहा है, तो दूसरा दिन होगा तो हड़बड़ा के काम कर तो फिर मछली बन नहीं पाता। चलिए हो गया, ये देखिए माल अपना रेडी है, उठा गया पूरा। अब इसको थोड़ा धो के अब इसको काटना है। बनकर चावल देखिएगा, चावल पैसा है। चावल ठीक है, जल गया, हो गया। लग रहा है हमारा चावल रेडी हो चुका है। ये बैठा हुआ चावल है, इनमें से मार नहीं निकलेगा, एकदम बैठा हुआ चावल है। चावल हमारा रेडी हो चुका है। अब इधर प्याज व्याज काटेंगे। क्या करें, बता दे भैया। चलो अब है ना, नहीं नहीं इसको बता दे। हाँ उसको बता दीजिए, गैस बंद करिए, गैस बंद करिए। अब इसको प्याज काटेंगे। एकदम छोटे छोटे पतला पतला, जितना पतला हो सके उतना पतला पतला प्याज काटेंगे। ये प्याज को आधा से काटे, और जो जो नए नए लड़के हैं उसको नहीं पता होगा ना, हम लोग काम करने आए हैं गांव से, पता नहीं चल पाता है। तो देखिए ये आधा काटे, इसको इससे पकड़े, पहले पतला पतला एकदम थोड़ा थोड़ा से काट दिए, ऐसे चलाते रहिए। एक दो दिन दिक्कत होगा, हाथ फूट कट जाता है थोड़ा थोड़ा, एक दो दिन दिक्कत हो जाएगा, लेकिन क्या है कि और धीरे धीरे चालू हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप भी स्पीड काटने लगेंगे हमारे तरह। हम लोग कोनो प्रोफेशनल थोड़ी ना है इसमें, नया नया गांव से पढ़ लिख के आता आदमी यही करना पड़ता है बाहर में, जब अच्छा से पढ़ाई लिखाई नहीं किया रहेगा तो क्या करेगा, यही करना पड़ता, मजबूरी है बहन। देख रहे हैं ना कितना स्ट्रगल है जिंदगी में, जीने के लिए इसे काम करना पड़ता है, खाना वाना और घर पर नहीं मम्मी और समय से बना के दी, बढ़िया से बना के दी तो हम लोग चिल्लाएंगे, यहाँ अपना सब कुछ करना पड़ता है बाहर में। अभी हम लोग गुजरात में हैं, हम लोग अभी गुजरात में हैं, गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट है ना, जहाँ पे दहेज इंडस्ट्रियल स्टेट है, जो आप सुनते होंगे कि प्लांट उड़ गया, भारत रसायन उड़ गया, यशस्वी रसायन उड़ गया, इस तरीके से देखिए टमाटर कटा है, छोटे छोटे टुकड़े में काट देना है, वही इसमें मगजमारी करना ही नहीं है, जो समझ में आए उसे करते रहिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आराम से बनेगा ये, कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाए गाँव, कोई उपाय नहीं है ना, इसीलिए भाग नहीं पाते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा, और घर से मौगी पत्नी परेशान रहता है, पैसा कमा के भेजू ना बोलू, और क्या करेंगे मजबूरी है, ये सब करना पड़ता है, अपना माल रेडी है। जो कमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये देखिए अपना माल रेडी है, और ये मछली है, और चावल भी इधर हो गया, ये देखिए चावल रेडी है, ये अपना देहाती स्टाइल है, इस तरीके से खीरा ना है सलाद के लिए। अब ये देखिए ये है कड़ाही, और माचिस कहाँ है, यहाँ करना जरूरी है।
दीजिए, कढ़ाई हल्का गर्म होने दीजिए इसको। चालू है जी, चालू है। अब ये देखिए, ये कड़ुआ तेल है अपना, मछली छानेंगे। अब ये गरम होगा कड़ुआ तेल, बंद करो। अब कड़ुआ तेल गरम हो रहा है, थोड़ा ऊपर करें। हाँ, कड़ुआ तेल अब गरम हो रहा है। अब गरम हो गया है कढ़ाई, अब देखिए मछली इसमें डालते हैं। देखिए ये उड़ेगा। हाँ, पूरा फ्राई भर के डालना है। बस इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं है ना, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। देखिए दोस्तों, अभी दो मिनट हो गया है, इसको उठाएंगे धीरे धीरे साइड से, नहीं कर लग जाता है। हाँ, साइड से उठाएंगे नहीं तो जल जाएगा। इतना डर लगता है बनाने में, इसके आगे इससे अच्छा चिकन है फर्स्ट से बना के बैठक से खा लेते हैं। यहाँ दहेज छोटी वाली मशीन है ना, भैया आराम से इसको एकदम आराम से पलटना, नहीं तो हाथ भी गल जाएगा। देखिए एक साइड का हो गया है एकदम, बिल्कुल माल जबरदस्त रेडी हो रहा है यार। देखो सस्ते रेडी हो रहा है, लगता है मजा आ जाएगा खाने में। एकदम बढ़िया से पका के और बढ़िया से बनाए हैं तो। चालू करिए, ये हो गया है, अब इसको निकालना पड़ेगा नहीं तो जल जाएगा। एकदम लाल लाल बहुत जबरदस्त बना है। अब फिर से दूसरा डालते हैं, अभी मूरा है छोटा सा। इसलिए मैं बता दी, ये मुर्ता है। हाँ, ज़्यादा देर हो गया है, लगता है हो गया है। आँच तेज है ना, तो जल्दी जल्दी हो रहा है। हो गया, हो गया। इसको पलटना पड़ेगा इसके लिए। आज तेज है, और लगता है बहुत तेज आग है, जल गया है। नहीं ठीक है, लाल लाल एकदम मस्त माल बना। इसको टेस्ट करके देखते हैं, आधा इनके लिए छोड़ देते हैं, बाद में खाएंगे। बहुत जबरदस्त, अब इसी तेल इतना ना महंगाई है, नहीं तेल बदल दे, पैसा बचाने के लिए इसी तेल में अब मजबूरी में डालना पड़ेगा। बहुत तेज आँच है, बंद कर देते हैं। तेल खराब हो गया है, इसमें ज्यादा डालेंगे तो सब्जी खराब हो जाएगा। बंद कर, हम नहीं करेंगे। अब फिर से नया तेल डालते हैं, तेल वो खराब हो गया था छान के,
अब नया तेल डालते हैं, तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा कम डालेंगे। उसको फोन को ये प्याज डाल दिए, मसाला प्याज डाल दिए, टमाटर भाजी डालेंगे, इसको जलने देते हैं थोड़ा सा। बंद करो, चालू है जल रहा है तो बेचारा खूब फांस रहा है, उसको भी कैसे चलाते हैं, इसको बढ़िया से चलाएंगे, मिला के एकदम मिक्स करके। चलाने का भी एक ट्रिक होता है। हाँ, अब इसको डाल दिए, मिक्स किए, इसको मसाला बनाते हैं। इसमें मसाला बनाना था, बढ़िया रिकॉर्डिंग है। अब इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे ताकि ये बढ़िया से गले, जल्दी से गले, ज़्यादा समय न लगे। नमक डाल देंगे, नमक इतना डालेंगे कि बाद में सब्जी बनाते समय नमक डालने की जरूरत न पड़े। बस ये हो गया, अब इसको बढ़िया से चला देंगे, इसे मिक्स कर देंगे थोड़ा हम। पूरा मिक्स हो गया, इसको आँच धीमा करके एकदम पूरा लो आँच करके इसको ढक देंगे। लो आँच करके मतलब प्रेशर कम करके इसको ढक दिए हैं, अभी आराम से गलेगा, अब गलेगा उसके बाद इसमें मसाला उसाला डालते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बंद करो। चलिए चलो, दो तीन मिनट पाँच मिनट बाद फिर इसको चला के देखना है माल गल रहा है कि नहीं गल रहा है। तो ये अपना माल एकदम गल रहा है, बिल्कुल गल रहा है। देखिए यही है मछली का मसाला बनाते हैं, एकदम गला के बढ़िया से। बिल्कुल ऐसे दो दो मिनट पर देखते रहिएगा, तीन तीन मिनट पर, फिर इसको ढक दीजिए बढ़िया आराम से, फिर इसका आराम से देखा जाएगा पाँच मिनट बाद, फिर देखेंगे। बंद करना है, जल न जाए अंदर। लगता है माल तैयार है, इसमें थोड़ा मसाला डाल देते हैं। हल्दी है और ये धनिया है और ये गरम मसाला है। ये क्या है? मीट मसाला। ये मीट मसाला है और ये चिकन मसाला है। और ये चिकन मसाला है, सब्जी आती मछली मसाला तो है ये नहीं। तो मसाला हल्दी डालते हैं, हल्दी डाल दिए थोड़ा, गरम मसाला डाल दिए, धनिया डाल दिए, जो भी मसाला है आपके पास वो सब डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना मीट मसाला है, और ये चिकन मसाला है, डाल दिए, हो गया।
उसके बाद हल्का सा पानी डाल दीजिए। पानी डाले उसको मिक्स कर दें। उसको चलाइए इसे। देखिए हल्का पानी डाले चलाए इसको बढ़िया से। पानी और फुल हो गया, आप देखिए रस तैयार है अपना। थोड़ा इसको आंच बढ़ा देंगे, गर्म करेंगे। एकदम तैयार है। उसके बाद ये अपना मछली को ऐसे डाल दीजिए, डाले। अब इसको आराम से थोड़ा देर ऐसे ढक दीजिए, बस। चलिए रेडी है माल। माल तो बन गया है, गजब बन गया है। एकदम जबरदस्त माल बना है, देख रहे हैं। लगता है ऐसा पहले हम कभी नहीं बनाए। अब इसमें थोड़ा सा और डाल देते हैं धनिया पत्ता स्वादिष्ट के लिए। ये लीजिए थोड़ा और स्वाद बढ़ गया, धनिया पत्ता डाले। चलिए दोस्तों इधर आओ। चलिए दोस्त यार अपना माल रेडी हो गया है मछली। आओ अपना इधर देखते हैं सलाद पर बन पड़ा चालू है। ये अब सलाद के लिए मटेरियल काट रहे हैं। चालू करिए। चालू है? हाँ चालू है। एकदम सलाद काटते हैं एकदम। देखिए खीरा है ये एकदम छोटे छोटे पतले पतले। एकदम बढ़िया खीरा है, जबरदस्त बन गया है। ये टमाटर को एकदम इस तरीके से काटिए पतला पतला करके। और टमाटर थोड़ा ताजा होना चाहिए, ये ताजा टमाटर है। बंद करिए, बंद करिए। अब ये दोस्तों अपना मछली इधर रेडी है और इधर चावल रेडी है और ये सलाद एकदम जबरदस्त मस्त बन गया है। अब इसको खाएंगे आराम से दबा के। और ये सलाद है, सलाद को खा के देखते हैं। जबरदस्त बन गया। हो गया। चलिए दोस्त अब यार सब्जी रेडी है। पहले देखते हैं ये मट बना बड़े भाई। बहुत गर्म
हम खुद पहली बार ऐसा बना है, इतना जबरदस्त बना है कि क्या बता, हम खुद पहली बार ऐसा बना है। चलिए ठीक है, अब हम लोग खाते हैं, हो गया आज का इतना ही, और आगे देखते हैं क्या प्रोसीजर है।